आरोग्य जीवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आरोग्य जीवन ये कामना करता है सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोगी हो। आज हम बात करेंगे महामारी कोरोना के ऊपर और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, कैसे थमेगा कोरोना वायरस, क्या है कोरोना वायरस, जाने इसके लक्षण और बचाव समेत जरूरी बातें। इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं, इस वीडियो में आप देखते रहिए। ऐसे कुछ बचाव के उपाय इस वीडियो में दिखाए गए हैं जिनको आप फॉलो करके आप इससे बच सकते हैं। क्या करें क्या ना करें ये इस वीडियो में आप ज़रूर देखिए। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले मास्क का यूज करें। दूसरी बात है, हाथों को बार बार साफ पानी से धोएं और सैनिटाइजर और साबुन का प्रयोग करके बार बार में हाथों को धोएं। साबुन और पानी से हाथ साफ करने से आपके जो भी संक्रमण है वो दूर होगा और इससे बचा जा सकेगा। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें या आप एक कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जेब में आप हमेशा रुमाल रखते होंगे उसी का यूज कर लीजिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज को फेंक दें, इसके बाद हाथ धो लें। हाथ जरूर धोएं, इसका मेन कारण है हाथ जरूर धोएं। सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू को इस्तेमाल करें, अपना हाथ से कहीं छांटे नहीं लगे। इस तरीके से पूरी तरह से मांस या अंडा नहीं खाएं। बिना हाथ धोए आँखों नाक और मुंह को ना छुएं, उनके नज़दीक ना रहें। जो बीमार हैं उनके संपर्क में ना आए और पूरी कोशिश करें उनसे दूर रहें। कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहे हॉस्पिटल स्टाफ से दूर रहें। संक्रमित मरीजों को अलग से रहने की सलाह दें। मेडिकल मास्क, दस्ताने और गाउन पहने। आंखों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। औजारों से भी हो सकता है तो औजार जो हैं आप मेडिकल में जो भी यूज़ कर रहे हैं उनसे साफ़ करवा के यूज़ करें। और जो भी आपकी देखभाल कर रहा है या खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, उनसे भी आप ये बोलें कि भाई हाथ धो के ही आप प्रयोग करें। और कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं, सिर दर्द, छींक, खांसी, सांस की तकलीफ़, किडनी फेल होना, बुखार, पहले बुखार फिर सूखी खांसी और हफ्ते भर यही स्थिति रही तो सांस की तकलीफ, कुछ इस कोरोना वायरस का ना कोई आकार है तो इससे बचते रहिए, यह आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। और बार बार आप हाथ जरूर धोएं। बाबा रामदेव ने भी इसके कुछ उपाय बताए हैं। मोदी जी ने भी आदेश दिया है वर्क फ्रॉम होम, तो उनकी आज्ञा का भी पालन हो। योगी जी ने भी कुछ आदेश दिए हैं और मोदी जी ने तो 22 मार्च सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करने का आदेश दिया है। तो आप लोग उसका पालन अवश्य करें और उस आदेश को एक अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको निभाएं तो हम इस कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। आप सार्वजनिक जगह पर जाने से बचें। पुलिस जिस तरीके से अपन को बता रही है उस तरीके से करना चाहिए। हॉस्पिटलों में इस बीमारी का अभी तक लाइलाज है तो हॉस्पिटल जाने से भी बचें। सार्वजनिक जगह पर जाएं तो मास्क लगा के जाएं और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। और ये जंग हमारे को जीतनी है, इसको भगाना है। धन्यवाद।